हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चॉकलेट मोदक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बनाएंगे चॉकलेट मोदक। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड दोनों लेंगे। हमने 170 से 180 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड लिया है। अब हम इसको गर्म पानी के ऊपर रखकर मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट को हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, और हमने इसको तेज गर्म पानी के ऊपर रखकर हम इसको चलाते हुए मेल्ट करेंगे। अब इसको नीचे उतार कर अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा कंपाउंड अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अगर नहीं मेल्ट होगा तो हम थोड़ी देर पानी पर और रख लेंगे। हमने जो मोदक का सांचा है वो लिया है, और उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसमें कोई भी पानी की बूंद ना हो। और जो नॉर्मल सांचे होते हैं मोदक के, वही हमने लिए हैं। हमने कोई चॉकलेट का अलग से मोल्ड नहीं लिया है, इसी से हम मोदक बनाएंगे। इस पर हमने अच्छे से रबर बैंड लगा दिया है, जिससे जो भी दरार है वो बंद हो जाए और हमारे चॉकलेट के मोदक अच्छे से सेट हो जाएं। अब हम इसमें चॉकलेट को फिल करेंगे। और इसको तो अच्छे से टैप कर लेंगे, जिससे हमारे मोदक का शेप अच्छा आए और उसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। अगर आप फिलिंग करना चाहते तो आप इसमें फिलिंग भी कर सकते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग या कोकोनट की फिलिंग भी कर सकते हैं। हमने इसमें किसी किसी में ड्राई बादाम फिल किया है। ये थोड़े ज़्यादा ही छोटे हैं, इसलिए हमने सब में बादाम नहीं फिल किया है। जो बड़े हैं उसमें हम दो बादाम फिल कर देंगे। और आप बादाम या ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके बाइंड करके भी फिल कर सकते हैं। और इसी तरह हमने सिंगल वाला जो मोल्ड है वो भी लिया है, उसमें भी हमने गेटिस से अच्छे से कवर कर लिया है, और उसमें भी हमने बादाम फिल कर दिया है। और उसको भी हम अच्छे से भरते जाएंगे और टैप टैप करते जाएंगे। और इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, 10 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इसी तरह जितने हमारे पास मोल्ड हैं हम सबको अच्छे से फिल कर लेंगे। और जो मोल्ड में सेट हो जाएगी हम उसको दोबारा फिल कर लेंगे। इसी तरह हमने इसमें दो बादाम फिल किए हैं। और इसको टैप करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे चॉकलेट चारों ओर अच्छे से सेट हो जाएगी और मोदक का शेप बहुत ही अच्छा आएगा। और जो चॉकलेट सेट हो जाएंगी उनको अब हम अनमोल्ड कर लेंगे। हमने चॉकलेट का जो मोल्ड पहले रखा था उसको हमने फ्रिज से निकाल लिया है, और हम रबर बैंड को हटा देंगे और मोदक को अनमोल्ड कर लेंगे। इसी तरह हम सारे मोदक अनमोल्ड कर लेंगे। और जो सांचे हमने दूसरे रखे थे उसको भी हम अच्छे से और आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। हम इसको बाद में डिज़ाइन करेंगे। अब इन्हीं मोल्ड में हम दोबारा से चॉकलेट को फिल करके
इसी तरह हम सारे मोल्ड को दोबारा दोबारा से फिल कर देंगे। और हमें जितनी चॉकलेट बनानी है चॉकलेट कंपाउंड हम उस हिसाब से लेकर चॉकलेट तैयार मोदक तैयार कर लेंगे। अब हम इनको भी डीमोल्ड कर लेंगे। आप चाहें इसी तरह चॉकलेट को मोदक को रख सकते हैं और आप चाहें इनकी गार्निशिंग कर दें। और 10 से 15 मिनट में बहुत सारे मोदक हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और सारे ही मोदक बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं और आप देख सकते हैं इनका शेप कितना अच्छा आया है। इसमें कोई भी एयर बबल नहीं है, शेप भी बहुत ही परफेक्ट बनकर आया है। और आप इसमें अलग अलग तरह के फिलिंग कर सकते हैं। आप इसमें कोकोनट बाइंड करके भी फिल कर सकते हैं, आप इसमें ड्राई फ्रूट फिलिंग, पान फिलिंग, कुछ भी आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो फिलिंग आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। और ये मोदक हमने सैटरडे को बनाए थे, ये वीडियो हमने शूट कर ली थी इसलिए हमने इसको देर से ही अपलोड कर दिया है, क्योंकि आप बच्चों के लिए डिफरेंट शेप में चॉकलेट भी इस तरह बना सकते हैं। और हमने 1 टीस्पून से थोड़ा कम गोल्डन लस्टर डस्ट लिया है, इसको हम ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है इसमें, क्योंकि कोई भी स्मेल ना हो ऑयल की अपनी। जिस तरह हम केक पर गोल्डन ड्रिप बनाते हैं उसी तरह हमें इसका अच्छे से मिक्सर बनाना है। फिर हम मोदक पर भी इसकी ड्रिपिंग बनाएंगे। ये थोड़ा थिक है, अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप्स। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा सा बन गया है। अब हम मोदक पर अच्छे से डिज़ाइन कर लेंगे। इस पर हमने अच्छे से ड्रिपिंग कर ली है। आप चाहें तो इसको प्लेन छोड़ दें, आप चाहें तो इस पर डिज़ाइन बना लें। और सब पर हम अलग अलग डिज़ाइन कर देंगे। और अगर आपके पास गोल्डन डस्ट ना हो तो आप वाइट कंपाउंड से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो बाकी हैं उनको भी हम अनमोल्ड करके इसी तरह डिज़ाइन कर लेंगे। कुछ को हम हाफ कवर कर देंगे और कुछ को हम इसी तरह से थोड़ा सा डिप करेंगे। इसी तरह हम सारे मोदक को डिज़ाइन कर लेंगे और हमारे 10 मिनट में डिज़ाइनर मोदक बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।